हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। ओके डैडी बाय, मैं जा रही हूँ कॉलेज। रुक बेटा रुक, 2 मिनट इधर आना जरा। क्या है डैडी, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है और दोस्तों से भी मिलना है। अरे बेटा थोड़ा 2 मिनट का काम है, जल्दी से आ जा। आई डैडी, आज आप ना मुझे कॉलेज के लिए देर करवा के ही मानोगे। बोलो डैडी क्या काम था। अरे बेटा तू कॉलेज आ रही ना, रास्ते में ओडाबा हनुमान जी का मंदिर आएगा, तो ऐसा करना वहाँ पुजारी जी को 10,000 रुपए दे देना है। क्या डैडी, आप भी मुझे फालतू के कामों के लिए लेट कर रहे हो। अरे राजा बेटा, पापा के इतना सा काम नहीं करेगी, प्लीज दे देना उनको। ठीक है डैडी, आप कह रहे हो तो कर ही दूंगी, पर वैसे भी मुझे ना पंडितों पर भरोसा है और ना मंदिरों पर। राम राम राम। हेलो, कोई है यहाँ पर? अरे कहाँ है यहाँ का पुजारी? शायद वहाँ बैठा है। वही, रुक जा मूर्ख लड़की। मूड लड़की, तुम्हें बिल्कुल भी अक्कल नहीं है कि मंदिर में इस तरह के वस्त्र पहन के नहीं आते? मेरे कपड़ों पर सवाल उठाने वाले तुम होते कौन हो? मेरी मर्जी होगी जो पहनूंगी मैं। अपनी मर्जी अपने घर पे रखना, ये हमारा प्रभु का मंदिर है, यहाँ मर्यादा से रहना पड़ता है। कोई सौंदर्य प्रदर्शन की प्रतियोगिता नहीं चल रही है। एक तो डैडी के दिए हुए पैसे मैं तुम्हें देने आई हूँ और तुम मुझे ही हेकड़ी दिखा रहे हो। ज्यादा हेकड़ी दिखाई तो ये पैसे भी नहीं दूंगी। अच्छा होता तुम्हारे पिताजी तुम्हें पैसों की जगह संस्कार देते। ले जाओ इन पैसों को वापस, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे और ना ही तुम्हारे जैसे लोग जो फैशन के नाम पे मंदिर के अंदर नग्नता फैलाए। छोटी सोच घटिया लोग, गवार गई का। अरे ये इतना जल्दी वापस कैसे आ गई? पता नहीं डैडी, आपने मुझे किस गवार के पास भेज दिया, उसने ये पैसे भी मेरे मुंह पर मारे और मुझे मंदिर में भी नहीं घुसने दिया। अरे क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों है तुम? डैडी आपके उस पुजारी ने मुझे बेइज्जत करके मंदिर से बाहर निकाल दिया। आखिर क्या हुआ ऐसा बेटा, पुजारी तो बहुत सीधा है, गांव वाले भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सीधा नहीं, छोटी सोच का घटिया आदमी है वो, जो मुझे कहता है ये कटे फटे कपड़े पहनकर मंदिर में आना अलाउड नहीं है। सच में उस पुजारी ने ऐसा कहा? चल मंदिर चलते हैं उसके पास। डैडी वो रहा बदतमीज पुजारी। चल उसके पास चल। अरे अंकल जी आप? राधे राधे। राधे राधे, आपने मेरी बेटी को मंदिर में नहीं घुसने दिया? जी बिल्कुल अंकल जी, क्योंकि ये ऐसे वस्त्र पहन के आई थी जो हमारे मंदिर के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी शोभा नहीं देते। देखो डैडी, उस वक्त भी ऐसे ही बदतमीजी कर रहा था मेरे से। ये बात बदतमीजी की नहीं है अंकल जी, आप खुद ही बताएं, ये पब क्लब स्कूल जाते हैं तो वहाँ का एक ड्रेस कोड होता है, क्या ये वहाँ पे हमारी भारतीय संस्कृति की वेशभूषा धोती कुर्ता साड़ी पहन के जा सकते हैं? नहीं, ऐसे तो इनको वहाँ कौन जाने देगा। अगर ये जाए भी तो इन्हें धक्के दे के बाहर निकाल देंगे। मैंने तो सिर्फ मर्यादा में रह के इन्हें डांटा है। आपको इसे डांटना नहीं चाहिए था, मारनी थी एक थप्पड़, जिससे इसको इसके संस्कार याद आ जाए। मंदिर में अगर जा रहे हैं तो सनातन संस्कृति की वेशभूषा धारण करके जाएं और वहां जाके भगवान का आशीर्वाद लें। मॉडर्न बनने के चक्कर में अभद्र कपड़े पहन के मंदिर में फुहड़ता ना फैलाएं। जयराम जी की।